ये SBI अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म मिलेगा हमको। इसे ओपन करने से पहले हमें जानकारी पे डेट, मंथ और ईयर डालना होगा। ये डालने के बाद कस्टमर टाइप, जैसे कि नीचे पब्लिक हो तो पब्लिक डाल दिए, स्टाफ में हो तो स्टाफ डाल दीजिए, और स्टूडेंट हो 18 साल के नीचे तो फिर माइनर में यस कीजिए, टिक को। उसके बाद नीचे नेम दिया गया है, MR डाल दीजिए, मिस्टर मिसेस जो है वो। फिर यहाँ पे नीचे आपको बॉक्स में आपका नाम लिखना है, फिर उसके बाद मिडल नेम बॉक्स में, और फिर लास्ट नेम। फिर उसके बाद नीचे नेम ऑफ फादर, जैसे कि आपके जो फादर का नेम है वो डालना है, और फादर के जैसे ग्रैंड फादर का नाम डालना है दादाजी का, फिर बाद में सर नेम। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो नीचे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो DD डाल दीजिए, फिर मंथ डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, फिर जनरल मेल फीमेल जो है वो डाल दीजिए, फिर नेशनलिटी, जैसे कि आप इंडिया में रहते हो तो नेशनलिटी इंडिया ही नहीं होंगी, इंडिया डाल दीजिए। उसके बाद नीचे लीजिए, जैसे कि हम फॉर्म को थोड़ा नीचे लेंगे, और नीचे आपको नेशनलिटी के बाद आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि मदर मदर नेम, मदर मेन नेम, जैसे कि आपके माँ का नाम डालना होगा जो मदर नेम है वो नीचे नेशनलिटी के बाद। फिर मैरिटल स्टेटस, जैसे कि आप शादीशुदा है, अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल दीजिए, मैरिड है तो मैरिड डाल दीजिए। फिर नीचे आपको UID, जिस तरह से UID लिखा हुआ है वहाँ पे आधार नंबर डालना होगा आपका। आधार नंबर डालने के बाद जैसे कि यहाँ पे UID के पास आधार नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आपके फादर का या मदर का आधार नंबर डाल दीजिए उसके साइड में। यहाँ पे दिया गया है कि इनकेस एप्लीकेशन और माइनर, जैसे कि 18 साल के अंदर में आते हैं तो आपको फादर या मदर का आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद करंट एड्रेस, जैसे कि आपका रेजिडेंस एड्रेस, घर का जो पता है वो लिखना होगा ऊपर के बॉक्स में, जितना बैठे उतना पूरा बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद लैंडमार्क, जैसे कि आपके नज़दीकी कोई एक फेमस जगह है उसका एड्रेस डालना होगा लैंडमार्क बोल के, तो वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे सिटी, जो सिटी है उसका पिन कोड, यहाँ पे महाराष्ट्र, जो भी महाराष्ट्र बिहार जो भी स्टेटस है राज्य स्टेट है वो डाल दीजिए। फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो दो मोबाइल नंबर देना चाहते हो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आपका परमानेंट एड्रेस आप सेम कर सकते हो टिक करने के बाद, इसको ज़रूरत नहीं आपको भरने की, लेकिन फिर भी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं परमानेंट एड्रेस, क्योंकि आपने ऊपर एड्रेस भरा हुआ है, आपको परमानेंट एड्रेस इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं और रहते हैं, तो फिर से वही एड्रेस की प्रोसीजर है, सिटी, पिन कोड, स्टेट और राज्य, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी दे सकते हो। उसके बाद हमको नीचे आ जाता है एडिशनल डिटेल्स, इनकम, जैसे कि आपकी इनकम जो भी है मंथली एनुअली वो आपको ऊपर डालना है। उसके बाद रिलीजन, जैसे कि आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी है उधर में आते हैं तो डाल दीजिए। उसके नीचे आपको कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि मुस्लिम हिंदू आप जो भी डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी में जनरल, जैसे कि ओपन, OBC, ST जो भी आते हैं आप उसमें डाल दीजिए, जनरल है तो जनरल बोले तो ओपन ओपन कीजिए। और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप 12वीं के अंदर आते हैं तो नॉन ग्रेड, और ग्रेजुएट कंप्लीट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रोदर, फिर उसके बाद आप 12वीं जो डालना होता है। या आप जॉब करते हैं तो सैलरी, या खुद ही आपका काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस है तो बिजनेस डाल दीजिए, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज नेम, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइज नेम, जैसे कि आपका जो काम करते हैं वहाँ पे वो कंपनी का नाम और क्या बोल के काम करते हैं, वर्कर है या अकाउंटेंट है जो भी है वो डाल दीजिए प्रोफेशनल बोल का। उसके बाद नीचे हमको पासपोर्ट नंबर पूछता है, पासपोर्ट नंबर डालने गरज नहीं, ये बाकी कैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉर्म 16 का कुछ मैटर दिया गया है। फिर फॉर्म को नीचे ले लेंगे हम डायरेक्ट। नीचे फॉर्म लेने के बाद
आप क्या क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, ऊपर डेट और डेट डाल दीजिए। फिर यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि वोटर आईडी होंगी तो आप डालिए, नहीं होंगे तो छोड़ दीजिए। पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड को टिक कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस होगा ड्राइविंग लाइसेंस, और फोटो कार्ड जो होगा वो डाल दीजिए। नहीं तो फिर साइड में आपको दिया गया है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें राशन कार्ड भी है, उसमें से जो भी ऑप्शन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जो भी आप बैंक को डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो उसके नीचे हमको इस तरह का मिल जाता है, ये कुछ दिया गया है तो ये ब्रांच के लिए, बैंक मैनेजर के जो भी बैंक का अकाउंट ओपन करता है उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें। यहाँ पे डेट डाल दीजिए, इसके बाद सिग्नेचर डाल दीजिए, फिर ये आप एप्लीकेशन यहाँ पे सिग्नेचर मार दीजिए आपकी, और फिर नीचे आ जाइए, नीचे ले लेंगे हम फॉर्म। फिर से यहाँ पे आपको डेट डालना है, प्लेस, और यहाँ पे थंब या फिर अंगूठा भी लगा सकते हो या सिग्नेचर भी कर सकते हो। उसके बाद ऊपर का जो है तो अकाउंट बोले तो आपका जॉइंट अकाउंट खोलना है या शेयर होल्डर, इस तरह के लिए है वो। जॉइंट अकाउंट है तो फिर ऊपर आप भर सकते हैं तीन कैंडिडेट के नाम, यहाँ पे सिग्नेचर मार दीजिए, फिर नीचे लीजिए फॉर्म को। आप फॉर्म ध्यान से देखिए, फॉर्म का पार्ट नंबर 2 है ऊपर लिखा हुआ, वही फॉर्म को आप फिलअप करना है, भरना है। ऊपर डेट डाल दीजिए, उसके बाद आपको मैंने कहा था एप्लीकेशन शेयर होल्डर, जैसे कि हम एक अकाउंट में तीन लोगों के अकाउंट ये कर सकते हैं मर्ज, तो उसकी जानकारी हमको नीचे दी गई है, सोलो, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर। तो हमारा जो सेविंग अकाउंट ऊपर का चेक, तो फर्स्ट को क्लिक कीजिए, और ये जो है ना, ये जो मैं गोल्ड सर्कल कर रहा हूँ ये सारा, ये उसके लिए है, तीन अकाउंट होल्डर के लिए, जो तीन अकाउंट जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके लिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट आएंगे, ये भी उनके लिए है जो पूरी जानकारी। तो हम सिर्फ इसमें से डोमेस्टिक पहला क्लिक कर देंगे हम, और नीचे जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग व्यू राइट या थर्ड सेकंड एप्लीकेशन ये दिया गया है, तो हम फर्स्ट हैं तो पहले को क्लिक करेंगे, और पहले को ही क्लिक करेंगे। जैसे कि आपके तीन कैंडिडेट हैं, उनको इंटरनेट बैंकिंग देना है एक ही अकाउंट में, पार्टनर अकाउंट है, इस तरह के दिए गए। चेकबुक के लिए है इस मैसेज, ये जो भी आपको मैसेज चेकबुक जो चाहिए उसके लिए आपको टिक ऑर्डिनरी ये दिया गया है, तो ये ध्यान से भरिए क्योंकि आगे चल के आप यूज़ कर सकते हो नेट बैंकिंग। जैसे कि मैंने कहा था तीन सेल्फ ओनली कीजिए, और हमारे यहाँ पे एक फ़ोटो, जैसे कि हम शेयर होल्डर अकाउंट है, हमारे तीन कैंडिडेट है, थर्ड मतलब तीन लोग एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इनके तीन ही लोगों के फ़ोटो डालने हैं। तो नीचे हमें डायरेक्टली दिया गया है सिग्नेचर तीनों लोगों के, तो इस तरह से इसकी प्रोसेस है। तो हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि हम सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आप तीन के अकाउंट जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते थे भर सकते हैं। तो फिर हमारा ये फॉर्म पे आ जाता है, ये फॉर्म डिपॉजिट है, जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम में ही पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो या ये फॉर्म आपको भरना होगा, नहीं तो ये फॉर्म को आप छोड़ सकते हो। जैसे कि आप कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी अमाउंट डालना है, फिर उसको इनवर्ड में लिखना है शब्दों में कि कितना पैसा आप डाल रहे हैं, फिर उसके ईयर पीरियड कितने मंथ के लिए डाल रहे हैं, कितने साल के लिए डाल रहे हैं, ये इस उसके लिए है ये फॉर्म। तो इस फॉर्म को आपको भरना है तो भर सकते हैं नॉर्मली, ज़्यादा कुछ ये नहीं इश्यूज में। तो फिर बाद में हमको इंट्रोडक्शन के कुछ फॉर्म दिखाए जाते हैं, फिर हमारा एक फॉर्म आता है फॉर्म 16, ये फॉर्म आपको मिला होगा तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्म 16 है, आप ऊपर देख रहे होंगे ब्लू में फॉर्म 16, तो ये फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कि ये फॉर्म के ऊपर दिया गया है फुल नेम, एड्रेस नेम, डिक्लेयर नेम, यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जो लाइन है वहाँ पे आपका पूरा नाम डाल दीजिए, और फिर नीचे से जितना भी एड्रेस है आपका उतना एड्रेस डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे टैक्स आप भरते हैं तो यस कीजिए, नहीं भरते हैं तो नो कीजिए, फिर बाद में इसे छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए डिक्लेरेशन के बाद। ये कुछ बैंक के वास्ते है,
तो फिर नॉमिन सबसे अहम चीज़ है, नॉमिन ऊपर आई विल के पास डाल दीजिए नॉमिन का नेम। फिर यहाँ पे नॉमिन का नाम जो भी है आपका, या फिर उसका सरनेम। और ये नॉमिन क्या होता है कि जो आपकी बाद में कौन ये कर सकता है, यूज़ कर सकता है, आपका लड़का हो या सपोज़ आपकी वाइफ हो या आपके भाई हो, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका सिटी, पिन कोड और जो भी स्टेट में रहता है वो स्टेटस, स्टेट राज्य, इस तरह से नॉमिन का भरना है। नॉमिन की सिग्नेचर, माइनॉरिटी नॉमिन, या फिर डेट डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए जहाँ का आपका ये अकाउंट जा रहे थे। फिर यहाँ पे उसकी सिग्नेचर, साक्षीदार की सिग्नेचर, यहाँ पे भी साक्षीदार की सिग्नेचर, विटनेस जिसे विटनेस कहा जाता है अकाउंट का, एक आपकी डाल दीजिए या एक आपकी किसी और की डाल दीजिए। फिर इस तरह से आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। इस तरह के हमको कुछ फॉर्म मिल जाते हैं, ये जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं।